हेलो दोस्तों, मैं हूं मुनीश देवगन। कल मोदी मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों ने शपथ ली। जहां 20 नए मंत्रियों ने शपथ ली, वहीं इस चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जी हां, प्रताप चंद्र सारंगी। उड़ीसा के रहने वाले प्रताप चंद्र सारंगी एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। सारंगी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के बालासोर से जीत हासिल की है। जनता उन्हें उड़ीसा का मोदी भी कहती है। प्रताप सारंगी ने शादी नहीं की है। पिछले साल उनकी मां का देहांत हुआ था। इनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है। सारंगी छोटे से घर में रहते हैं। इनको ज़मीनी लोगों का भरपूर समर्थन है। सांसद का चुनाव जीतने से पहले प्रताप सारंगी उड़ीसा के नीलगिरी विधानसभा सीट से विधायक थे। वो 2004 और 2009 में यहां से दो बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 64 साल के हो चुके प्रताप सारंगी ने कभी साधु बनना चाहा था और वो एकांत जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उनका समाज के प्रति समर्पण और जनसेवा का भाव उनको मोदी मंत्रिमंडल में ले आया। सारंगी लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बालासोर संसदीय सीट से बीजू जनता दल प्रत्याशी रविंद्र कुमार जैना को हराया है। प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया है। साथ ही साथ पशुपालन और डेयरी का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। एक देव दुर्लभ चांस है, परमात्मा की कृपा से ऐसी सुयोग मिलता है और मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि भारत माता की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी जैसा मूर्धन्य नेता की मंत्रिमंडल में मेरे को शामिल किया गया है। मोदी जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, अमित शाह जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मैं इसको पूरा करने का भरपूर कोशिश करूँगा। निष्ठापूर्वक, आंतरिकतापूर्वक मैं करूँगा। आपकी वैसे इच्छा क्या है कि उड़ीसा की सेवा, मतलब मंत्री पद के जरिए उड़ीसा की सेवा या पूरे देश की सेवा, कौन सा विभाग आपको ज़्यादा रुचिकर लगता है? नहीं, कोई विभाग में ज़्यादा रुचि नहीं है। जो विभाग मेरे को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव है। मैं तो मंत्री बनना जब मेरे को मिला, मैं आश्चर्य हो गया क्योंकि मुझे मंत्री पद मिलना मेरा उम्मीद में नहीं था। तो फिर मैं क्यों इच्छा करूँ? जो ये अगर मेरे को योग्य समझते हैं तो यही देंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि प्रताप चंद्र सारंगी नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं। नरेंद्र मोदी जब भी उड़ीसा जाते हैं तो उनसे मिले बिना वापस नहीं आते। प्रताप सारंगी ने इस चुनाव में, कहा जाता है कि, एक भी रुपया खर्च नहीं किया। साइकिल से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। कभी कभी आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि एक्टिवा से भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आए। वहाँ उनकी कठिन फाइट थी। उन्होंने बीजू जनता दल के प्रत्याशी को हराया, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रत्याशी को भी हराया। आपको बता दें दोस्तों, जो दोनों उम्मीदवार थे जिनको उन्होंने हराया, वो करोड़ोंपति थे, लेकिन ये साधारण परिवार से आते हैं। आपने इनकी कई तस्वीरें देखी होंगी, वायरल भी हो रही हैं मीडिया में, कि झोपड़ी में ये, मतलब आप उनको देख सकते हैं किस तरीके से साधारण ज़िंदगी जीते हैं। और वहाँ पे जितनी भी गरीब लोग हैं आसपास के इलाकों में, ये उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं। गरीब इनको अपना मानते हैं, इसीलिए इनको वोट दिया है उन्होंने। आपको बता दें दोस्तों कि आसपास के इलाकों में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनको उड़ीसा का मोदी कहा जाता है, तो इनका चुनाव जीत के आना हज़ारों गरीबों के लिए एक जो है उम्मीद जग गई है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।